शामी दुक्कड़म। तो ये पर्युषण महापर्व का सबसे बड़ा शब्द कौन सा है? मिच्छामी दुक्कड़म। इसका अर्थ क्या है? हाँ, मैं छोटा था ना, तो क्या दुक्कड़म नमनी सोपारी क्या मरे जाए? मैंने किसी को पूछा तो क्या सोपारी नु नाम छे, मेरे चाचा ने बोला ये सोपारी नु नाम छे, तो क्या कई दुकान में मड़े? हाँ, कलकत्ता सोपारी करता सारी हो कि नहीं? अपने को एक ही सुपारी का नाम मालूम था, कलकत्ता। वो एसेंस वाला होता है, मुंह में डालेगा मटंडक होता है। दांत की रगड़ देता है। तो दुक्कड़म याने हमको लगा सुपारी का नाम है। अरे भैया, हाँ वैसे देखा जाए तो सुपारी है भाई लोग की। नहीं किया तो अपना कल्याण हो गया, समझ गए क्या? तो ये पर्युषण, अगर आपने अभी वो सुपारी जो भाई लोग को देते हैं ना, वो अपने को देने खुद को। मिच्छामी दुक्कड़म, उसका अर्थ क्या है कि मैंने गुना किया है। दुक्कड़म का अर्थ क्या है? गुना। मिच्छामी याने मेरे गुना मिथ्या थाओ। मिच्छामी याने मिथ्या, मिथ्या थाओ याने के मैं मिथ्या याने डिलीट करना, मिथ्या याने डिलीट करना। तो हमारा प्रतिक्रमण क्या होता है? डिलीट करने का। तो जो हम ये मिच्छामी दुक्कड़म शब्द है ना, वो इटसेल्फ प्रतिक्रमण है। शॉर्टेस्ट पर प्रतिक्रमण इन जैनिज्म इज मिच्छामी दुक्कड़म, यानी के इसके अंदर तीन निर्णय हैं। आई एक्सेप्ट माय फॉल्ट, सबसे पहली बात क्या है कि मैंने गुना किया है उसको मैं कबूल करता हूं। मिच्छामी दुक्कड़म का सबसे पहली बात क्या है कि मैंने गुना किया है उसको मैं कबूल करता हूं। दूसरा क्या कमिटमेंट? उसको मैं डिलीट करता हूं। ये गुना किया है, वापस ये गुना नहीं होगा, उसका मैं कमिटमेंट देता हूं। डिलीट भी करता हूं और वापस नहीं होगा उसका कमिटमेंट देता हूं। दीस आर द थ्री कमिटमेंट्स इंस्टॉल्ड इन द वर्ड मिच्छामी दुक्कड़म। अब समझ में आया? अभी ये मिच्छामी दुक्कड़म साल में एक बार करना है कि हर क्षण करना है कि बार बार लगातार करना है? हम छोटे थे ना तो प्रतिक्रमण करे ना, प्रतिकोण ने पहला मिच्छामी दुक्कड़म करा है। अभी इस साल से मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप के अंदर पर्युषण का अगले दिन मिच्छामी दुक्कड़म शुरू हुआ, तो ये थोड़ा एडवांस हो गया, लेकिन ये भी साल का एक ही बार वाला है, जीवन शैली वाला नहीं है। ये क्या है, अभी टेक्नोलॉजी आ गई, कोना बाप ने दिवाड़ी आई बुधे नाइकू फॉरवर्ड टाक ओला एम कोके में एक जना मेहनत करी हो, बाकी बदा लाखों जना फॉरवर्ड टैक फॉरवर्ड टैक फॉरवर्ड। ये फॉरवर्ड वाला मामला नहीं है, इनवर्ड वाला मामला है। कौन सा है? इनवर्ड लेना है, फॉरवर्ड नहीं करना है। मिच्छामी दुक्कड़म, दुक्कड़म याने दुष्कृत, मेरे दुष्कृत, दुष्कृत याने गुना, मेरे गुना मैं डिलीट करता हूं। पहले मैं कबूल करता हूं, मैं डिलीट करता हूं, वापस नहीं होगा उसका कमिटमेंट देता हूं। दिस थ्री कमिटमेंट्स इज इंस्टॉल्ड इन मिच्छामी दुक्कड़म एंड दैट हैज टू बी इंस्टॉल्ड। ये सॉफ्टवेयर है, कितना छोटा सा सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्टवेयर बोलते हैं इसको, माइक्रोसॉफ्टवेयर। मिच्छामी दुक्कड़म, मिच्छामी दुक्कड़म, मिच्छामी दुक्कड़म।
मिच्छामि दुग्धम, मिच्छामि दुग्धम। तो लोगों को यह भ्रम है कि मिच्छामि दुग्धम मीन्स आप मुझे माफ करो। वो कल ही आया था मिच्छामि दुग्धम का, जैन सोशल ग्रुप से आया था, फॉरगिव मी, इट इज नॉट फॉरगिव मी मैन, इट इज नॉट फॉरगिव मी। मैंने गुनाह किया है उसका मैं कबूलात करता हूं। किसी को सत्ता नहीं है आपको फॉरगिव करने की, आप कोई भीख नहीं मांग रहे किसी से, आप खुद जाके सामने से बोल रहे हैं कि मैंने गुनाह किया है, आई एम एक्सेप्टिंग माई मिस्टेक्स, माई डिफेक्ट्स, माई मिस्टेक्स। क्या वास्तव में आप ऐसा करते हैं आपकी डे टू डे लाइफ में? वो मिच्छामि दुग्धम एक बार आए, पहले तो क्या था, आसान था, कार्ड भेज देने का, वो कार्ड पोस्ट कार्ड रेडी मिलता था, खाली नीचे नाम लिख देने का, नहीं उसमें वो भगवान का फोटो रहता था, उसमें वो चंडकोसी, क्या ब्यूटीफुल था, मुझे बहुत अच्छा लगता था वो फोटो, कईयों को भेजता था, तो बहुत सरस कहवा भगवान बुझ बुझ करे उन्हें, बोलो टुकू टुकू करे, सारू कहवा। आपने भगवान बनू है तो आपने बुझ बुझ बोलता रहू, फिर मैं साइंटिस्ट बना दू, आ बुझ बुझ तो साप ने तो कान ज नहीं, क्या थी हमड़े तो वो बुझ बुझ भावना है, समझ गए? तो हमें भी यहां पर ये बुझ बुझ की भावना खड़ी करनी है, और उस भावना में क्या प्रकट करना है, मैं गुनेगार हूं, मैं गुनेगार हूं, ये गुना मैंने किया है, अब ये गुना मैं निकाल दूंगा और वापस आपके साथ नहीं होगा, मैं नहीं करूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है। कितनी बड़ी बात है, करना शुरू करो। मैं तो कहता हूं आप 24 घंटे करो, आपको इसकी असर पता चल जाएगी। या आप ऐसा करो, मिच्छामि दुग्धम डे, चलो फादर डे मदर डे तो आपने बोलते, मिच्छामि दुग्धम डे, मिच्छामि दुग्धम डे यानी क्या? और ये डे कितनी बार लाने का, साल में एक बार, संवत्सरी, पर्युषण के पहले, हर घटना में मिच्छामि दुग्धम, जीवन शैली, पर्युषण महापर्व का सेंटर पॉइंट क्या है, मिच्छामि दुग्धम। और भगवान ने क्या कहा, इस मिच्छामि दुग्धम की तेरी लाइफस्टाइल बना दे। क्या बोला? लाइफस्टाइल बना दे, मिच्छामि दुग्धम को तेरी जीवन शैली बना दे, तो मेरे जैसा भगवान बनने के चांसेस है, नहीं तो मार खाना है तो खाते रहे। मिच्छामि दुग्धम गलती से भी किसी को मत बोलना। तो ये पर्युषण महापर्व, इसे महापर्व क्यों बताया गया, कि ये भव भव का काम एक भव में कर देता है। ये इतने आपके जीवन के कितने पर्युषण गए हैं, कितने गए हैं, भगवान कहते हैं उसमें से एक पर्युषण में एक ऐसी क्षण हो, एक ऐसा दिन हो जहां पे आप ऐसी भावना करें अपने अंदर, और वो भावना, एक भावना का बीज रोपण हो जाए, काम हो गया आपका, वो बीज रोपण हो गया। अब बीज जमीन में डालने के बाद उसमें से छोटा पौधा होता है, फिर झाड़ होता है छोटा सा, फिर बड़ा झाड़ होता है, फिर फूल होते हैं, फल आते हैं। बस बीज बोना महत्व का है, तो ये पर्युषण का रोल क्या है, बीज बोना। ये 9 दिन में इसे ज्यादा आनंद का सब हिसाब किताब पूरा करना है भैया, ये 9 दिन में कुछ होने वाला नहीं है, मात्र ये 9 दिन में फोकस ये करना है कि यस मैंने गुनाह किया है, मैं गुनाह को सुधारूंगा और वापस नहीं होगा उसका मैं कमिटमेंट देता हूं। ये दिस 3 कमिटमेंट्स, 3 कमांडमेंट्स ऑफ पर्युषण महापर्व, द
दैट इज मिच्छामि दुक्कड़म एंड मेक इट इज योर लाइफ स्टाइल. सिंपल. हमारे जीवन के जितने भी प्रॉब्लम है, देखो आज सुबह हमने बताया 6 क्षेत्र के. शरीर, शरीर के अंदर रोग क्यों होता है? क्योंकि हाँ, क्योंकि हमने मिच्छामि दुक्कड़म नहीं किया. अभी देखो मिच्छामि दुक्कड़म हर एक क्षेत्र में कैसे अफेक्ट करता है देख लेना, ठीक है? मिच्छामि दुक्कड़म, टेल योर ओन बॉडी. आप अपने शरीर को बोलो मिच्छामि दुक्कड़म, मिच्छामि दुक्कड़म. पैर की उंगली को बोलो मिच्छामि दुक्कड़म, एक एक उंगली को बोलो मिच्छामि दुक्कड़म. पैर के उंगली के नाखून को बोलो मिच्छामि दुक्कड़म. अतुल भाई ने आंख बंद करके शुरू हुए कर दिया, हाथ लगाड़ी लगाड़ी ना, तने मिच्छामि दुक्कड़म, हजी तारो वारो बाकी छे. मिच्छामि दुक्कड़म वन बाय वन वो दिखता था मेरे को हाथ, वो एक एक उंगली पे हाथ रख के बोलता था मिच्छामि दुक्कड़म, मिच्छामि दुक्कड़म, मिच्छामि दुक्कड़म. ये पोपट नहीं बोलवानो. करो अच्छा, तमे शुरू कर्यू तरत आम अहीं बोल्या ने त्यां चालू करी दीधुं तो बहु जबरदस्त कहेवाय. बहुत अच्छी बात है. लेकिन पछी आ कर्यू ने पछी के हवे जा तारे जे थाय कर लेजे. उस संवत्सरी प्रतिक्रमण के बाद हम लोग सब बच्चे लोग थे ना, लड़के लोग, एक तो पूरा प्रतिक्रमण में धमाल करे हैं, हाँ हाँ ही हूँ, इधर से ये आवाज आए, उधर से वो आवाज आए, तो कुछ ना कुछ कमेंट पास करते. फिर पति जाए एटले के मिच्छामि दुक्कड़म नहीं तो थाय करी लेजे. अपने को मालूम नहीं था क्या है उसका मतलब, क्या है, समझ में आया? कितना भगवान ने एकदम गहरा विज्ञान दिया है. भव भव का काम बस एक शब्द के अंदर दे दिया, एक सूत्र के अंदर दे दिया, एक मंत्र के अंदर दे दिया. मिच्छामि दुक्कड़म यानि मैंने गुनाह किया है, मैं इस गुनाह की कबूलात करता हूँ, मैं इसे डिलीट करता हूँ और वापस नहीं होगा उसका कमिटमेंट करता हूँ. तो इसमें हम लोग एक दूसरे को मिच्छामि दुक्कड़म बोलते हैं. तो इसमें लोगों को भ्रम ये हो गया कि वो मेरी माफ़ी मांग रहा है. कोई माफ़ी नहीं मांग रहा है भैया, अपनी गलती का स्वीकार कर रहा है. When you tell anybody मिच्छामि दुक्कड़म, that means you are not asking for forgiveness. You are telling के भाई मैंने आपके साथ गलत किया है, उसका मैं स्वीकार करता हूँ और मैं इसको निकाल दूंगा और वापस रिपीट नहीं करूंगा. ये तीन कमिटमेंट है. मिच्छामि दुक्कड़म, मिच्छामि दुक्कड़म, प्लीज फर्गीव मी के जगह पे मिच्छामि दुक्कड़म, मिच्छामि दुक्कड़म. लोग के दिमाग में ये घुसा हुआ है, ऐसा नहीं है. ये बहुत गहरा विज्ञान है. इट इज नॉट सॉरी एंड थैंक यू. इसके अंदर 3 कमिटमेंट्स एंड 3 कमांडमेंट्स हैं जो हमेशा के लिए हमें हमारे जीवन में शारीरिक दुख से मुक्त करेगा, मानसिक दुख से मुक्त करेगा. शरीर में रोग कभी होते हैं? जब हम मन से बीमार होते हैं. मन से बीमार कभी होते हैं? जब हम टेंशन स्ट्रेस में आते हैं. टेंशन स्ट्रेस कभी आता है? मैं सच्चा हूँ, मैं ही सच्चा हूँ, आप सब झूठे हो, आप सब नालायक हो, नपावट हो, चोर हो, डाकू हो, डकैत हो, ऐसा बोलते हैं. यहाँ पर उल्टा है. मिच्छामि दुक्कड़म, मेरी गलती है. गलती हो ना हो फिर भी बोलते हैं मेरी, क्योंकि हमें वहाँ पर उसका शॉर्ट सर्किट करना है. अगर वह शॉर्ट सर्किट नहीं किया तो वो लंबा तक चलेगा, कभी महीनों तक, कभी सालों तक, कभी जीवन भर. सस्ते में पताना है कि लंबा चलाना है. आज तक हमने लंबा चलाया, अभी उसको शॉर्ट करना है. शॉर्ट क्या करना है?
शॉर्ट ये करना है, मेरी गलती है, खुश रहो, आनंद में रहो। वो भी गुस्से में नहीं बोलना है, हाँ मेरी गलती है, जा मिच्छामी दुक्कड़म, मिच्छामी दुक्कड़म। वो मिच्छामी दुक्कड़म कैसे, मिच्छामी दुक्कड़म, मिच्छामी दुक्कड़म। तो ये मिच्छामी दुक्कड़म क्या लोगों को समझ में नहीं आता था, तो प्रभु का ये रिप्लेसमेंट मंत्र नमो जीर्णानम, इसके अंदर सब कुछ आ गया। नमो जीर्णानम बोल दिया तो मिच्छामी दुक्कड़म का बाप है। नमो जीर्णानम यानी क्या, आप मेरे भगवान हो, आप मेरे भगवान हो, अभी इससे बढ़िया दर्जा आप क्या दे सकते हो लोगों को। और नमो शब्द आए तो सामने वाले को अच्छा भी लगे, मिच्छामी दुक्कड़म तो अपने को ही मालूम नहीं तो सामने वाले को क्या मालूम पड़ेगा। तो उसका रिप्लेसमेंट मंत्र दे दिया, नमो जीर्णानम जीय जीय भयानम, यानी तू भी भय रहित बन और मैं भी भय रहित बनूं। आपके अंदर है परमात्मा को नमस्कार करता हूं, तू भी भय रहित बने और मैं भी भय रहित बनूं। अभय 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 अभय, तू भी अभय मैं भी अभय। कितना सिंपल हो गया। त्रिपदी, भगवान ने त्रिपदी बताई कि मेरे जैसे भगवान बनना है तो तेरी जीवन शैली में ये त्रिमंत्र, त्रिपदी का त्रिपदी मंत्र, सबसे पहले जो मिले उसे क्या कहना है, नमो जीर्णानम। उसका मतलब क्या, आपके अंदर रहे हुए परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रभु के स्वरूप में स्वीकार करता हूँ और मेरे दिल में स्पेशल स्थान देता हूँ। कितना बड़ा हो गया, कितना गहरा हो गया। ये मिच्छामी दुक्कड़म का बाप है, बाप मंत्र है, परम मंत्र है, परम मंत्र। यहाँ पे गुना और उसकी तो बात छोटी मोटी बात ही नहीं करते, आप मेरे भगवान हो, मैं आपको नमस्कार करता हूं और मेरे दिल में स्पेशल स्थान देता हूं। अभी जो ये कमिटमेंट करे वो उसके साथ कभी गुना कर सके, समझ में आया। मिच्छामी दुक्कड़म में तो अभी भी चांस है क्या, हाँ मिच्छामी दुक्कड़म मैं गुनो कईरो, बोलो शू थसे, शू कर लेसो, आम थसे ने, हाँ तैयार छू, जाओ करो जा। तो ये बुद्धिवादी शब्द है मिच्छामी दुक्कड़म, उससे सुपर सुपर डुपर मंत्र नमो जीर्णानम जीय भयानम, मैं भी मुक्त और तू भी मुक्त, मैं भी मुक्त और तू भी मुक्त, हम दोनों मुक्त। नमो जीर्णानम जीय भयानम। Arihant, Arihant, Arihant.